नमस्कार, मैं गौरव मित्तल। आज काफी लंबे समय के पश्चात मैंने सोचा क्यों ना लाइव आऊं, और जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं सभी के दिमाग में चल रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है, क्या हो गया है, ये इशू कब तक रहेगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और एक जेन्युइन सी बात है कि जिसको भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, वो डेफिनेटली इस समय इन क्वेश्चंस के आंसर्स का, अपने इन क्वेश्चंस का हल और सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो आप इस पोस्ट पे, जो आपका ये मेरा लाइव सेशन है, इस पे आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस, जो जनरल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कोरोना, रिलेटेड टू दिस महामारी कब तक है, क्या है, और जनरल क्वेश्चन, पर्सनल ना हो, क्योंकि पर्सनल का आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा। 1-2 मिनट रुक जाते हैं ताकि लोगों के पास अभी इंटीमेशन पहुंचा होगा। 12 से 1 के बीच में मैं लाइव रहूंगा, इंटीमेशन पहुंचा होगा, तो लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन। और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्या है, पेंडेमिक क्या है, क्यों आया, कब तक रहेगा, क्या उपाय है, जो आज लोगों के में एक व्याकुलता है, उसका आंसर मैं एस्ट्रोलॉजी और जो वैदिक ज्ञान है उसके अनुसार देने का ट्राई करूंगा। इस बीच में आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस इसमें लिख सकते हैं, मैं उनका बीच बीच में आंसर भी देता रहूंगा। हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी ज्वाइन करने देते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज इस चीज को, कोरोना को, जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, और लोगों के लिए दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, केवल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड एक जैविक हथियार की रूप में यूज किया गया एक टूल है, इसको हम गीता के ज्ञान से रिलेट करते हुए सीखते हैं। आज मनुष्य का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बीमारी तो एक है, उससे ज्यादा जो बड़ा सवाल है और जो सबसे बड़ा भय है, वो है मृत्यु का भय। मृत्यु अपनी, अपने परिवार के सदस्य की, या किसी नियर एंड डियर की, जो भय है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करूंगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी, दवाइयाँ मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, हॉस्पिटल में बेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, खाने की वस्तुएं, अगर कर्फ्यू लग गया तो क्या होगा। तो ये जो फियर है, ये इंसान को उसकी मृत्यु के भय को, भय जो उत्पन्न हुआ है इन कारणवश, उसको मैग्निफाई करके प्रॉब्लम को बढ़ाता जाता है। जिसके चक्कर में आज अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, जो दवाइयों की कमी है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ, ये उत्पन्न हुआ। बट जो फियर इनकलकेट हुआ कि 2.5 लाख लोगों गए, 3 लाख लोगों गए, हर फैमिली में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए दवाइयों को स्टोर करें, खाने की वस्तुओं को स्टोर करें, तो जो अचानक से जो रैपिड डिमांड बढ़ी, उसके चक्कर में जो आपूर्ति है, वो सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है, वो ब्रिज नहीं हो पाया, बढ़ना शुरू हो गया। जो मृत्यु का भय है, यदि इंसान अपने दिमाग से, दिल से निकाल दे, जैसा कि गीता में किशन जी द्वारा कहा गया है, वीर पुरुष को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। हालांकि कहना आसान होता है, बट जब आप उस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं तो शायद माइंड का जो अलाइनमेंट है वो उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है।
गीता के अनुसार ना शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। जो शरीर है वो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना हुआ है और मृत्यु के पश्चात उसी में मिल जाना है। आत्मा अमर है, फिर तुम क्या हो? अगर ये जो आत्मा अजर और अमर है, जो लोग इसको मानते हैं कि इंसान मर गया, मरने वाला है या मरने वाला है, दोनों ना समझ हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को चेंज कर लेगी, शरीर का ही जो स्थूल बॉडी है वही चेंज होगी, आत्मा विराजमान रहेगी। अब इस भय से मुक्ति कैसे आए? किशन जी ने यहाँ पे भी कहा है गीता में कि जो संपूर्ण भाव से मेरा ध्यान करते हैं और अपने अंदर मुझे महसूस करते हैं, उनको जीवन मरण के मुक्ति और बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मेरे धाम का निवासी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये सब चीजें करना शुरू कर दिया तो आपको फियर नहीं होगा। फियर इनकलकेट हो सकता है किसी भी रीजन से, ग्रहों की पोजीशन के अनुसार हो सकता है, आपके अंदर के प्रेम और किसी वस्तु को खोने की चाहत के रीजन की वजह से हो सकता है, बट इसके धीरे धीरे समाप्त को करना है। इसको अपना को भगवान का समर्पित करें। आज हम जब चीजें अनमैनेजेबल हो गई तो आज हम क्या कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन आ गई, भगवान बचा ले। इससे पहले क्या हमने अपने कर्म को देखा? कर्म का मतलब एक इंडिविजुअल कर्म नहीं है। पृथ्वी पर यदि 7 अरब की जनता है तो क्या उन्होंने देखा, आज हम ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा कि जिस तरीके से हम पृथ्वी से पेड़ को हटाते जा रहे हैं, और क्या ये पेड़ जो हमारा अभी तक साथ दे रहे थे वो हम इक्विबियम को हमने नष्ट किया खुद ही, क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आज हम ब्लेम देते हैं गवर्नमेंट को, आज हम ब्लेम देते हैं अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है सुविधाओं को, बट एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या हमने कोई भी एक भी पेड़ जीवन में उगाया? क्या हमने ये सोचा कि कोई हमारे जाने के पश्चात क्या हम कुछ ऐसा करके जाएं कि पृथ्वी वासियों को कभी ऑक्सीजन की कमी ना पड़े? बट कभी नहीं सोचा। आज जब मुसीबत आन पड़ी तो आज सारा ब्लेम उठाकर हमने किसी के सर तो मरना है, इंसान की नेचर है, अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट को दे ब्लेम चाहे किसी और को दे, बट उसी मोह उसी चाह उसी फैमिली के लिए बचाने के लिए आज दवाइयों की होर्डिंग्स, आज बाकी सारी चीजों की होर्डिंग उठ गई है। जिस दिन इंसान ये समझ लेगा कि तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खोया, तुमने क्या पैदा किया था, क्या खत्म हो गया, ना तुम कुछ लेके आए थे, जो कुछ लिया सब यहीं से लिया, जिसने दिया वो पृथ्वी भगवान नेचर ने दिया, जो लिया वो आज जो ले रहा है वो भी भगवान ही ले रहा है, और जो लिया उसी को दिया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। यदि इंसान इस चीज को समझ जाएगा तो जिंदगी में कर्म करते हुए भी, ऐसा नहीं है कि कर्महीनता, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ऑफिस नहीं जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, घर परिवार को नहीं निभाना, बट एक है कि कर्म के बंधन में नहीं बंधना। वो कर्म का बंधन क्या है यही समझना है। भगवान ने गीता में कहा है, जब भी संसार में धर्म हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब अच्छे लोगों की रक्षा करने और दुष्टों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। ये जिस हिसाब से कलयुग चल रहा है, भगवान का 10th इनकारनेशन, भगवान विष्णु का, महाविष्णु का जो 10th इनकारनेशन है कल की रूप, कहीं ना कहीं पृथ्वी जब समाप्ति की ओर जाएगी, युग समाप्ति की ओर जाएगा, तो भगवान अपने किसी ना किसी रूप में कल के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर दोबारा से पुनर्जन्म स्थापित करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। जो मृत्यु हम जिसको समझते हैं वही जीवन है। जिस दिन आए थे उस दिन से हमारी जिंदगी के पल नियत थे, हमने सांसें ली, जल्दी समाप्त करें, जल्दी ऊपर जाना है। हमने इसका मतलब क्या हुआ, यदि जीवन को सारे कार्य करते हुए हमने एक शुद्ध सात्विक तरीके से जिया, तो हमेशा चाहा कि किसी का भला हो आपके कर्मों से, कभी किसी के प्रति हमने दुष्प्रभाव या दुष्भावना नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम अपने आप को संसार से विमुक्त कर रहे हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है।
सुख दुख लाभ हानि जीत हार इन सबको भूल जाए, केवल एक चीज ध्यान रखे कि आपके हाथ से किसी का बुरा ना हो, आपके कर्मों से आपके कार्य से किसी का भला हो। ऐसे कर्म करने से मनुष्य के ऊपर कभी पाप नहीं आता, और ये एक केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है, ज्ञान का विषय है, एक मैटर है जो आपके धीरे धीरे आप लाइफ के साथ लर्न करते हैं। यदि उसको आपने नहीं समझा तो जो बीच का जो रास्ता है जीवन, जिसे हम कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जो कुछ भोगना है, जो कुछ सुख भोगना है, दुख भोगना है, वो इसी जन्म में भोग लो, अगला जन्म कैसा हो, ऐसा नहीं है। जो इस जन्म का जो कर्म है उसका जो प्रतिफल है, कुछ को अभी यही भोगना है, कुछ को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। यही चीज अगर हम ध्यान रखें तो इंसान एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए भी, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भी, बाद में जब मृत्यु लोक को प्राप्त होगा तो उसको एक सुखद मृत्यु का अनुभव होगा। कर्म करना आपके वश में है, कर्म फल आपके वश में नहीं है, इसलिए कर्म फल की आसक्ति में नहीं फंसना है और अपने कर्म का भी त्याग नहीं करना है। कोई पूछता है कि ऑफिस जाना इंपॉर्टेंट है या फिर भगवान की पूजा करना, पूजा करने का मतलब बैठ के माला जाप करना नहीं है, मन के अंदर शुद्धि, मन के अंदर दूसरों के प्रति आदर भाव, सम्मान, रेस्पेक्ट, गरीबों की सेवा करना, जिस पर्पस, उस पर्पस को समझना है जिस पर्पस के लिए जीवन हुआ है। भगवान ने एक माया रूपी इंसान को पृथ्वी पे भटकाने के लिए एक अपने माया जाल में फंसाकर बार बार पृथ्वी पर लाना और पृथ्वी से बाहर वापस से स्वर्ग या नरक की तरफ प्रस्थान कराने का जो ये पूरा का पूरा खेल है, वही पृथ्वी की संरचना का आधार है। इंसान एक इसी भगवान की माया को ना समझते हुए इसी मोह में, इसी कर्मों के बंधन में बन जाता है, और वो ना समझ, इन चीजों को समझते हुए भी ना समझ बनकर उन चीजों की तरफ बढ़ता है जो इंसान को उसके कर्तव्य पथ से विमुख करके एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस और एक अपनी अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रति भावना की तरफ अग्रित कर देते हैं। जैसा जैसे ही वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती हैं, बट पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना से लेना उनकी तरफ, भगवान की इस माया, इस लीला को समझ गया, उसका जीवन सफल हुआ और मृत्यु के पश्चात भी वो स्वर्ग लोक के बजाय आत्मा का परमात्मा में विलीन होकर कुछ उपदेश हैं, वो ये भी कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम नादान मनुष्य, हम अभिमान में जब कोई कर्म अच्छा हो जाए, नाम हो जाए, काम हो जाए, या फिर हमने पैसे कमा लिए, तो जो अभिमान हमारे अंदर है वो सच करके बोलता है, भूल जाते हैं कि करने वाला वो, देने वाला वो, करवाने वाला वो, हम यहाँ पे पृथ्वी पे केवल कठपुतली मात्र हैं, हाथ में कुछ नहीं है। सोचने समझने की सारी शक्ति हमारे कर्म के अनुरूप पृथ्वी पे जो हमें भेजा गया है वो ग्रहों को दे दी गई, उन्हीं ग्रहों के योग को समझकर अपने इस जीवन में अपनी बुद्धि पर संतुलित करते हुए यदि हम अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाएं तो शायद हम कर्म विहीन होकर आगे अपने जीवन को सुधार लें। आज जो मृत्यु का भय कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से हो रहा है, यदि इस चीज को बचना है तो अपने कर्मों को सुधारना होगा। एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे कि मैंने अपने एक पोस्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी सजेस्ट किया था कि ये वैश्विक महामारी, मेरा पर्पस यहाँ पर किसी को डराना नहीं है, पहली चीज, ये महामारी एक दिन या दो दिन में खत्म होने वाली नहीं है। इसका फल, इसका जो योग है, 15 अप्रैल 2022 तक दिखाई देता है। उसके बाद भी केतु का मंगल के घर में बैठकर जो एक नेगेटिव प्रभाव बन रहा है उसमें भी 1-1.5 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड मिला के, तो अभी मोटे तौर पे इस बीमारी से हमें इतनी जल्दी निजात नहीं मिलने वाली। हाँ, 25 अप्रैल के बाद जो
ये जो डेथ रेट है और इन्फेक्शन रेट है अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे को जो मैंने एक सजेशन दिया था हर एक किसी के लिए है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे लिए एक राजा के समान हैं। उनके द्वारा प्रजा के लिए किए गए कर्म का जो फल है वो प्रजा को जल्दी प्राप्त होता है, बट यदि प्रजा भी जागरूक होकर उन्हीं कर्म को उनके साथ साथ या अपने घर में अलग से रह के उन कर्मों को एक जो है इस समय एग्जीक्यूट करें, तो शायद इस वैश्विक महामारी का इलाज ढूंढने में सहायता हो और इससे निजात पाने में जल्दी हमें निजात सहायता मिले। है क्या? और मैं क्या जो कहूंगा शायद उसमें से आप उस पर कुछ लोग हंसें भी और कहें भी, उपहास भी उड़ाएं और कहें कि पढ़े लिखे हो कि इस युग में, साइंटिफिक युग में वो लोग जो है, किसी ने अभी मुझसे पूछा, कहा है एस्ट्रो कुमार ने कि दुनिया के ज्ञानियों ने कोरोना की भविष्य क्यों नहीं कर पाए। शायद आप मेरा जो है प्रिडिक्शन, 3 अक्टूबर का एक प्रिडिक्शन है 2020 का, और उसके बाद फरवरी 13 का है एक प्रिडिक्शन, मेरे फेसबुक इसी पेज पे है, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या लिखा था। मैंने उसमें क्लियरली लिखा था कि 2021 में आने वाला जो समय है 2020 से ज्यादा भयानक होगा। इस साल और अगले 3 साल में पृथ्वी से जितने लोगों का आवागमन होगा वो शायद आज की एक हिस्ट्री और एक इतिहास लिखा जाएगा। बट अगेन, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी समाप्ति की ओर है, पृथ्वी के समाप्ति में अभी टाइम है। युगों के अगर कैलकुलेशंस और उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें अभी टाइम है। बट ओनली थिंग इज कि ये कहना कि किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी, मैं तो भाई बहुत छोटा सा पार्ट हूँ। ये इस साल 2021 के लिए क्लियर था कि 2020 से ज्यादा, बल्कि मेरी पोस्ट है, आप फरवरी 13 फरवरी की पोस्ट देखिए, आप 3 अक्टूबर 2020 की पोस्ट देखिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि मुझे कहने में डर लग रहा है, मैं हिच हिच कर रहा हूँ कि 2021 विल बी बैड देन, फार फार बैड देन 2020। किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है और क्या होना चाहिए भी लिखा गया है, और मैं उन सॉल्यूशन की ही अब बात करने वाला हूं। आप उस पे देखिए, बिल्कुल है अश्विन कुमार जी, आप बिल्कुल देखिए, 3 अक्टूबर की पोस्ट देखिए और आप 13 फरवरी की 2021 की भी पोस्ट देखिए, उस पे आपको दिख जाएगा। और यदि नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ, जिस लिंक पे आप लोगों को ये पोस्ट अवेलेबल दिख जाएंगी। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पोस्ट शेयर कर दे रहा हूँ। आप महागुरु.com पे जाइए, ब्लॉग्स पे जाइए, इंग्लिश वाले ब्लॉग पे जाइएगा, वहां पे पहला एस्ट्रो एडवाइस टू श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करके एक पोस्ट है, आप इस पे देख लीजिएगा। इस पे आप ये लिंक देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। अच्छा, अभी वापस से आते हैं और इस पे बात करते हैं कि इस समय जो ये बीमारी हुई है उसका क्या एक सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने कहा कि केतु एक मेजर कारक है इस बीमारी के लिए आज की डेट में। अगर अगर हम आज केतु के और शनि के, जो मंगल को इम्पैक्ट करके एक नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट बना हुआ है, उसको समाप्त करें, और हम मंगल, शनि और वीनस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाएं, तो हमें इस बीमारी पर कंट्रोल करने का एक सॉल्यूशन और एक इलाज मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो लक नंबर और जो डेस्टी नंबर है वो 8 और 6 से गवन है, भारत का भी उसी रूप में गवन है। तो हमें 6 जो ये नंबर है उसकी महत्ता को बढ़ाना है, शनि के प्रभाव को बढ़ाना है। मैंने उसमें बहुत छोटे से उपाय लिखे थे और यदि हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो वो भी करेक्ट होते हैं। मैंने शनि के पेड़ को बढ़ाने, क्या कहते हैं, शनि के पेड़ को लगाने के लिए बोला कि शनि का पेड़ एक ऐसा, मतलब शनि का पेड़ मीन्स पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को लगाने के लिए मैंने सलाह दी।
क्यों दी? शनि के प्रभाव को बढ़ाना है। घर के अंदर मैंने दो पौधों को लगाने के लिए कहा कि आप घर में ये दो पौधे लगाएं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो शनि के प्रभाव को बढ़ाते हैं। अगर हम पीपल का एक योगदान देखें तो पीपल रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। आज की डेट में ऑक्सीजन की मारामारी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है। बट मेरा उद्देश्य वहां पे खाली इसको इस एंगल से नहीं था, कहीं ना कहीं ये चीजें लिंक्ड अप है। अगर हम आज पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अपने कर्मों के, जो हमने नेगेटिव कर्म किए हैं, क्षमा, दिल से क्षमा याचना करते हुए ईश्वर को किसी भी फॉर्म में, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, किसी भी फॉर्म में याद करते हुए एक संकल्प ले कि भगवान, गॉड, लॉर्ड, हमें अपने, हमें इससे जो है, इस बीमारी से बचाने के लिए मैं ये संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन काल में मैं 5 पीपल के या 5 बरगद के पेड़ हर साल लगाऊंगा और उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करूंगा। इस संकल्प के साथ शुद्ध मन से अगर हम हर एक व्यक्ति 40 दिन का संकल्प केवल इसी ध्यान में करें कि पृथ्वी का जो भी जिसने भी संरचना की है, किसी भी फॉर्म में की, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, गॉड हो, जो भी, जिस भी फॉर्म में मानते हैं, और अपने कर्म को, अपने बुरे कर्मों का क्षमा याचना करते हुए, और ये एक प्रार्थना करें, ये एक पहला उपाय है। दूसरा उपाय, अपने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, आपने जो आज तक अर्जित किया है और जो आप अर्जित कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता जो आपने पास्ट में अर्जित किया है, यदि आज भी जो आप अर्जित कर रहे हैं उसका 1/10 भाग, यदि आप किसी गरीबों की मदद में, अंधों की मदद में, कोढ़ियों की मदद में, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके लिए जूते नहीं है, यदि उनकी मदद में अपने हिस्से का 10% 1/10 भाग निकालें, तो आपके घर में कोरोना क्या किसी भी बीमारी का आगमन नहीं हो सकता। घर में माता पिता, माता स्पेसिफिकली, और पिता जो सूर्य का रूप है, माता जो चंद्रमा का रूप है, यदि आप सूर्य के प्रभाव को बढ़ाएं, यदि आप उनके सेवा भाव करें, आज उनके सेवा भाव का मतलब है कि पिता के आज्ञा का पालन करना अच्छी वाली चीज, क्योंकि मैं हमेशा कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं कह रहा कि पिता कोई कहते हैं कि चोरी कर लें तो आप चोरी कीजिए। अगर पिता ने कोई सलाह दी है उनकी सेवा करना, माता ने कोई सलाह दी है उनके प्रति प्रेम दिखाना, ओल्ड एज होम में ना छोड़ना। ये जो नई वाली पीढ़ी है जो अपने आप को आइसोलेट करके चली है, अकेले रहना, ये सारे कर्मों का प्रभाव धीरे 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 इसी कोरोना की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यदि हम आज भी सच्चे मन से, हमने कई बार जो है एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, समझना है उसको कि हमें अपनी जीवन शैली को किस तरीके से ग्रहों के प्रभाव में ना आकर व्यतीत करना है, ग्रहों के नेगेटिव कंजंक्शन से उत्पन्न हुए दुष्प्रभाव को खत्म करते हुए अपने बुद्धि और अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए एक सच्चाई के एक अच्छे रास्ते पर चलना है, जिससे हम कर्म रूपी बंधन में ना बने। लोगों ने उसके लिए प्रतिभ्रांति बना दी कि इन्होंने, जैसे अभी किसी ने कहा कि आपने 2020 से पहले प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया। जिंदगी में मैं भी एक व्यापार में हूँ, बिजनेस करता हूँ, ये तो चीजें ऐसी, हर कोई हर चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं भगवान नहीं होके बताऊंगा। जिस समय कोई प्रॉब्लम आई उस समय देखा गया कि रीजन क्या था, क्यों आया, क्या रीजन हो सकता है और कब तक चलेगा। दुनिया में हर सेकंड में, हर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है। इंसान किस किस चीज के लिए प्रिडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं है समय उसके पास भी। मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना व्यापार है, बट उस व्यापार के अंदर भी हमारे पास से ये रहता है कि किसी का बुरा ना हो, अपने पास से किसी के टाइम पे, व्यापार में कई बार होता है कि कुछ लेन देन में टाइम हो सकता है, बट हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पास किसी का उधार ना रह जाए, किसी का देना ना रह जाए, नहीं तो अगला जन्म फिर आके चुकाना पड़ेगा। जहां तक हमारा सामर्थ्य होता है, जहां तक हमारा हिम्मत होती है, हम ट्राई करते हैं कि हमारे एंड से चला जाए, हाथ देने वाली साइड पे रहे, लेने वाली साइड पे ना रहे। बट फिर भी, क्योंकि कर्म जब इंसान करता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट, उसका रेजिडुअल पार्ट बसता ही है और जिसका फल उसको भोगना पड़ता है। और आज जो ये एटलीस्ट इंसान के दिमाग में है कि हम, मुझे नहीं करना, तो कम से कम वो अपने आप को सेव कर सकता है, बट इंसान चाहकर, जानबूझकर ये इन चीजों में फंसता है तो प्रॉब्लम होती है। और आज जो ये वैश्विक महामारी है ये उसी का प्रतिफल है।
इन प्रतिफल को दूर करने के लिए हर एक इंसान को 40 दिन, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन 40 दिन तक हम सेम अपने धर्म के कर्म करते हैं तो हमारी आदत में शुमार हो जाता है, फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस, जो अलाइनमेंट है, उसका उसी तरीके से चलना शुरू हो जाता है कि हम कोई नेगेटिव कर्म की तरफ ना बढ़ें। इसलिए 40 दिन का स्टेटमेंट है, 40 दिन आप ध्यान लगाकर किसी भी फॉर्म में ईश्वर को अपने किए गए, पृथ्वी पर एक इंसान अपने किए गए कृत्यों के प्रति एक क्षमा याचना करें पृथ्वी से। कोई है जो ब्रह्मांड में, जहां से आपके वाइब्रेशन जनरेट होके उस परमात्मा तक पहुंचेंगे, अब वो परमात्मा लेने वाला नहीं है, देने वाला है। जिस समय उसको आपका दया भाव, आपकी करुणा भाव दिखाई देगा कि हाँ इसने अपने गलतियों की क्षमा याचना दिल से की है, तो उस दिन उतने पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होंगे कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी ये बताने के लिए, प्रूव करने के लिए समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। जैसे हम कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। यदि हम थॉट प्रोसेस हमारा पॉजिटिविटी की तरफ अलाइन है, यदि हम सोच सकते हैं कि हाँ हमने पॉजिटिव कर्म करना है, मुझे इस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस दिन से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, कोई ऐसी शक्ति नहीं है विश्व की जो आपको उससे पहले ले जा सके, ये जो भय है, ये जो आपके अंदर आसक्ति है, ये जो आपके प्रति आपके अंदर लगन है, लगाव है, आप कर्म करो, सोच के करो कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। देखने वाला, संसार को चलाने वाला और जो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके सारे अच्छे कर्मों का स्टोरेज करके बैठा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अच्छे कर्म करे और इंसान उसका प्रतिफल ना मिले। हाँ, कई बार ये लोग पूछते हैं कि मैं जिंदगी भर भगवान की पूजा याचना करता रहा बट मुझे उसका प्रतिफल नहीं हुआ। दो रीजन हो सकते हैं, आपने जो प्रार्थना की सच्चे मन से, आपने माला सच्चे मन से की नहीं, कि आप माला जपते रहे बट मन में आपके दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष दूसरों के प्रति, उसके प्रति कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, ये भावना लेके बैठे हो। हो सकता है आपके पिछले जन्म के जो कर्मास हैं वो, उनका जो रेजिडुअल माइनस, जो नेगेटिव बैलेंस है, वो इतना ज्यादा हो कि आपके इस जन्म के पॉजिटिव कर्म उनको नगेट करते 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 पॉजिटिव बनाते बनाते खत्म हो जाए। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके अच्छे किए गए कर्म का प्रतिफल आपको ना मिले इस जन्म में, नहीं अगले जन्म में। अदरवाइज ये जो इस जन्म के जो रेजिडुअल कर्म्स हैं और जो पहले वाला जो माइनस सम बैलेंस बचा हुआ है, वो समाप्त होके आगे की जितने भी जन्म होंगे उनके अंदर हमें सफर करना पड़ेगा। ये जो जोड़ और घटा का जो योग है, इसका जो सम है, जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगा या फिर कर्मों का जो बंधन है वो माइनस की तरफ नहीं जाएगा, तब तक पृथ्वी पे आवागमन बना रहेगा। इसी आवागमन को बना रखने के लिए ही भगवान ने पृथ्वी की संरचना करी, डिफरेंट ग्रहों को यहाँ भेजा गया, शनि को कर्म फलदाता के रूप में भेजा गया, हर ग्रह को एक दायित्व दिया गया और उन्हीं दायित्व और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव में इंसान भ्रमित होकर कर्मों के जो इम्पैक्ट हैं उसी के अंदर घूमता रहता है। ये एक लॉजिक है जो इंसान जितनी जल्दी समझ जाए कि भगवान ने हमें यहाँ पे कर्म करने के लिए भेजा, दिमाग के साथ भेजा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे नेगेटिव योग हैं बट फिर भी अपने दिमाग को संतुलित रखो और दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। कभी ये ना सोचे कि जो किया मैंने किया, आप केवल पृथ्वी पे अपना रोल निभाने आए हो, आपने जो किया वो आपके कर्मों के अनुसार मिला, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करी। यदि जिस दिन आप इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे कि हाँ मैंने चलाया, मैं कर रहा हूं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे पसंद करना चाहिए, उस दिन आप इस योग से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल है। मैं एमबीए फाइनेंस बीटेक होने के पश्चात भी आज की डेट में अलाइनमेंट है मेरा, बिजनेस चलाता हूँ, कई सारे बिजनेस हैं, बट द सेम टाइम ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति सम्मान, ईश्वर के प्रति उसी की आस्था कि जो दे रहा है वो करने वाला वही है, मैं केवल एक निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरा अस्तित्व। वो जिस दिन, अभी परसों, हाँ परसों, परसों मेरी गाड़ी का, आई वॉज गोइंग टू माई प्लांट, आने आते दूसरी तरफ से एक एसोसिएटेड गाड़ी ने मेरे को 150 से ऊपर की स्पीड पर टक्कर मारी है। और जो आपने फोटो अगर फेसबुक पर देखेंगे तो जो दो दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई है उसमें दोनों में से किसी गाड़ी में जो सवार है उनका बचने का सेंस ही नहीं बनता था, बट
भगवान की कृपा से मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर सहित, मेरे PSO सहित, मेरे क्या कहते हैं जो बिजनेस हेड हैं उनके सबके सहित, और जो दूसरी गाड़ी ने जिसने टक्कर मारी उनमें से किसी को खरोंच तक नहीं आई। क्या है? यही है, जब तक मृत्यु का योग नहीं है कुछ नहीं होगा। कोरोना है, आपको अपने कर्म निभाने हैं, आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है, आपको ऐसे समय में ऐसे लोगों की भी सहायता करनी है जिनके पास संसाधन नहीं है। आज आप देखें तो ये कोरोना केस से जो डेथ के केसेस हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो फियर है, जो मृत्यु का फियर है, वो किसके पास है? अमीर के पास है। बेचारा जो गरीब रोड पे है, डेली की खा रहा है कमा रहा है, क्या आपने किसी का सोचा कि किसी कोई कोई अखबार में, कोई टीवी में, कहीं भी कोई न्यूज़ सुन रहे हो कि किसी की कोरोना से डेथ हो गई? नहीं हुई। वो बेचारों को अपने कर्म से ही फुर्सत नहीं है। आपने हम हमेशा सबसे पहले हाई राइज सोसाइटीज में क्या करते हैं कि भैया मेड्स को आने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प को आने के लिए बंद कर दो। क्यों कर क्यों वो कैरियर है? आज की डेट में बताइए जितने बीमारियां आ रही हैं कौन कैरियर है जो बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं? मेड तो बेचारी अपनी आजीविका कमाने के लिए 10 घर जा रही है अपनी जिंदगी दांव पे लगा के, बट ब्लेम किसको जाता है? गरीब को। तो जिस दिन हम इस थॉट प्रोसेस से बाहर जाएंगे, जिस दिन हम गरीब को और अपने जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको एक अपना एक भिखारी या नौकर समझना बंद कर देंगे, उनको भी सेम भक्ति भाव और सेम आदर सम्मान देना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद इस वैश्विक महामारी से छुटकारा मिलने में पल नहीं लगेगा। एंड बिलीव मी, पल नहीं लगेगा। लाइव एग्जाम्पल परसों का दिया है, जिस दिन मृत्यु से बचने, मतलब मृत्यु टच नहीं कर पाई, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई। यही राम का जो शॉल है मेरे तन पे था, सिंगल खरोंच तक नहीं आई इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी। फिर भी वो क्या है? हाथ में आपके है क्या? नथिंग। इस भ्रम से हमें बाहर आना पड़ेगा कि केवल मेडिकल साइंस हमें हेल्प कर सकती है, या प्राइम मिनिस्टर या CM हमें हेल्प कर सकते हैं। आज की डेट में हर कोई एग्जॉस्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि उनको अपना क्या इंटरेस्ट है, नहीं है। आज की डेट में हो सकता है कि मजबूरी पड़े तो अभी लॉकडाउन लगाना पड़े, हो सकता है ना लगाएं, बिकॉज लास्ट टाइम जो देखा गया है सिचुएशन उसके हिसाब से काफी ज्यादा है सिचुएशन बोली थी। तो हमें अपने कर्म को अलाइन करना इज द की हेयर। यदि हमें कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से, जैविक वॉर से बचना है, अपने कर्मों को अलाइन करना पड़ेगा। जिस दिन तक हम कर्म अलाइन नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हम सेफ हैं, तो मृत्यु अटल सत्य है, कोई सेफ नहीं है। केवल एक ही चीज है सेफ, वो है ईश्वर की कस्टडी। अपने आप को सौंप दो ईश्वर को, कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म करके चीजें आएंगी। हो सकता है कोरोना हो भी जाए बट मृत्यु का मंजर देखने को नहीं मिलेगा, बच जाओगे। जिस दिन आप फियर में रहोगे कि मुझे कोरोना हो गया और मैं मर जाऊंगा, उस दिन जरूर मर जाओगे। जिस दिन आप कहोगे कोरोना हो गया तो क्या हो गया? हो गया, दवाई ली, आया, चला गया। ये पॉजिटिव थॉट रख के चलना है। दिल से फियर निकाल दें, कर्म करें, अपने आप को सेफ गार्ड करें, 2 गज की दूरी और ये सब चीजों का पालन करें। मैं उसके लिए बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, बट ओनली थिंग जो फियर दिमाग में भर गया है कि भैया जिसको कोरोना हो गया वो ऊपर जाएगा, ये फियर से बाहर आ जाए। यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं जीवन भर, आपने लोगों का भला किया है, तो मृत्यु आपको टच नहीं कर सकती समय या नियति से पहले। ये बहुत बड़ा सत्य है, इस सत्य को समझ जाए इंसान तो जीवन सफल है। जिस दिन आपके अंदर फियर रहेगा, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट होंगी, आपके अंदर सारे जो हार्मोन्स हैं वो उसी तरीके से स्क्रीट होने शुरू जाएंगे कि आपको उसी डायरेक्शन की तरफ लेना जाना शुरू कर देंगे। तो हमारे को यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि शांत चित्त बुद्धि से परमात्मा का ध्यान करें, जो भी कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करें, भक्त का भगवान कभी विनाश नहीं होने देते, इस चीज पर हमेशा विश्वास रखें। उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति चला जो जीवन चलाने वाले हैं और जो जीवन का हरण करने वाले हैं वो वही हैं, बाकी जितने भी कारण हैं और जितने भी रीजन हैं वो केवल एक निमित्त हो सकते हैं।
उन कारणों से हमें नहीं डरना है, कर्म प्रधान बनना है, कर्मों के आसक्त होकर हमें कर्मों के अधीन नहीं होना है, कर्म विहीन नहीं होना है। मैंने अपने इस लाइव वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि आपको बैठ के भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, नहीं। आपको अपने जो कर्म है उनको उस हिसाब से लिखे आए कि आप ना तो कर्म करने के पश्चात जो प्रतिफल मिलेगा उसकी इच्छा रखें, ना ही आप किसी का बुरा चाहें। जो आपसे दूसरों का भला हो सके आप करें, ये आपको कर्महीन रास्ते की तरफ लेके जाते हैं और आपको उनसे उनसे जो आपके कर्मों का जो फल है, बंधन है, उनसे आपको मुक्त करते हैं। मेरे ख्याल से जो ये गीता का सार है, ये लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने इसको समझा, अपने जीवन में लाया। आज सब कुछ बिजनेस आज भी करता हूँ, आज भी चलाता हूँ, आज भी ऑफिस में बैठा हूँ। दुनिया भर के टेक्निकल अवार्ड्स हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस हैं, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी जो जो पोस्ट थी, जब जॉब करता था तो जो पोस्ट थी वो लोग जीवन भर नहीं मिल पाते हैं, उनको छोड़कर बिजनेस शुरू करके आज बिजनेस चलाता हूँ। इतनी सारी फैमिलीज डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो जीवन का सार है, जो गीता का सार है, उसको बांधना अपने लाइफ के साथ एक बहुत ही जरूरी है। जितनी जल्दी इस चीज को इंसान समझ जाएगा, ये कोरोना वैश्विक महामारी का, आज की डेट में भी लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, सर ये कोरोना कब तक खत्म होगा, क्या तरीका है, बस जल्दी से बताएं। तरीका जिंदगी में खत्म करने का या लाने का कोई ऐसा तो है नहीं। जब जो फल मिल रहा है वो एक दिन के कर्म से तो मिल नहीं रहा, जो फल मिल रहा है वो हमने जो कर्म बोए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उन्हीं का प्रतिफल हम आज भोग रहे हैं। यदि हमने वो करने में इतना समय लगाया तो क्या आपको लगता है कि आप आज एक गायदान कर देंगे तो आपको जो है आपके सारे जितने पुराने पाप किए हैं सब खत्म हो जाएंगे? यस खत्म होंगे, बट यदि उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस अलाइन हो जाए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए। आपका पर्पज ये नहीं है कि मैं अपने नेगेटिव कर्म को दूर करने के लिए गाय का दान कर रहा हूँ, आपका पर्पज है गाय का दान मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो दूसरा बंदा है वो गरीब है, उसके पास गाय नहीं है, वो दूध नहीं पी सकता, अपने बच्चों के परिवार का पोषण नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके पास गाय होगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। जिस दिन आप इस थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन हो जाएंगे, उस दिन आपके सारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप केवल ये करेंगे कि नहीं मेरे घर में बीमारी आई तो मैं अपनी बीमारी को गाय का दान देके किसी और के ऊपर उतार दूं, तो आपने अपने कर्मों के नेगेटिव फल को केवल डेफर किया है, खत्म नहीं किया। खत्म करने के लिए तो इंसान को अपने कर्मों के और आचरणों को चेंज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। हाँ, अभी भरतुल जी लिख रहे हैं कि इंडिया में सिचुएशन नॉर्मल कब होगी। भाई जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये प्रॉब्लम अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, अभी अगला साल मिड तक हमें इसको जूझना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी सी 25 अप्रैल के बाद चीज़ें थोड़ी सी कम होनी शुरू होंगी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मिरेकल होगा और ख़त्म हो जाएगा। अंकित लिख रहे हैं इसके बारे में, अक्टूबर में 2020 में लिखा था, आप चेक कर सकते हैं, शायद उन्होंने अश्टो कुमार जी को आंसर दिया है। और फिर हेमंत सबरवाल जी लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, तुम रक्षा काहू को डरना, फैक्ट ऑफ द लाइफ है। डर के भी कुछ नहीं होगा, डर के केवल अपने अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार होगा जो आपको और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, और जो चीज अगर नहीं भी होनी होगी तो होगी। राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं, ये जो दूसरी बार कोरोना जो पहले से खतरनाक है, इसके दूसरा फैलने से क्या करना होगा रोकने के लिए? भाई इसको इमिडिएटली सभी को अगर इसको मिलके साथ देना होगा। हालांकि मैंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि 40 दिन का वो आज इंडिया के राजा के रूप में कार्यरत हैं, उनको 40 ब्राह्मणों का द्वारा 40 दिन एक लार्ज स्केल पे हवन करते हुए, सभी जनता को, देश की जनता को आह्वान करते हुए, एक छोटे छोटे हग एक जो हवन और यज्ञ हैं वो अपने घर में
ये लोग बाकी सब पृथ्वी पे बाकी जनता करे और भगवान से अपने कर्मों के प्रति क्षमा याचना करे। वो जो हवन करने और जो उनका जो मंत्र करने हैं वो शनि से रिलेटेड, वो केतु से रिलेटेड, वो मंगल से रिलेटेड और आपके शुक्र से रिलेटेड, उन मंत्रों को हमें जाप करना है। हमें शुक्र और शनि के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाना है। हमें केतु और मंगल के कंजंक्शन जो दोष उत्पन्न हुआ है उनके दोष को हमें खत्म करना है। यदि आपके कोई और सवाल हैं आप लिख सकते हैं, बट वो सवाल कॉमन हो उनका आंसर मैं ट्राई करूंगा देने के लिए। इंसान, जैसे किसी ने लिखा कि प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया, फिर बता देता हूँ, इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ये उसकी शॉर्टकमिंग है। एस्ट्रोलॉजी को या उस साइंस को हम ब्लेम नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी केवल एक साइंस है जो ग्रहों के कंजंक्शन से उत्पन्न दोष, रोग, शोक, योग, जो भी आप कह लो, उनको रीड करके एक बताना कि हाँ ये इवेंट हो सकती है या हो जाएगी, उसका उसको लिखना ही एस्ट्रोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बैठ के एस्ट्रोलॉजर के पास केवल एक ही काम है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। उसकी अपनी जिंदगी भी है, अपना परिवार भी है, उसे अपना भी जीविका चलानी है, उसे अपनी लाइफ भी चलानी है। बट जब कोई ऐसी चीजें आती हैं तो इन चीजों का देखा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और कब तक होगा और उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज भी लोग मुझसे वो जादू की पुड़िया चाहते हैं कि वो खा लें और जीवित रहें। ऐसा कोई पुड़िया नहीं होती, वो केवल तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या यूज करता है तो इंसान उसका प्रतिफल उसको घर में किसी ना किसी फॉर्म में और भुगतना पड़ता है। तो उस प्रतिफल जादू की पुड़िया से बाहर आना है। जो कर्म हमने ओवर द टाइम अर्जित किए हैं, हमें उनके नेगेटिव, उनसे जो हमारे को नेगेटिविटी प्राप्त हुई है, उस नेगेटिविटी को हम धीरे धीरे ही रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान सिंगल डे में मोटा नहीं हो जाता, ओवर द टाइम उसके खान पान, रहन सहन सबके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको पतला होने के लिए भी एक सिंगल दिन में पतला नहीं हो सकता, कोई मैजिक जड़ी बूटी नहीं है। उन चीज आचार आचार आचरण और उन आयुर्वेद को फॉलो करना है। वही एक जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। तभी मैंने कहा 40 दिन। 40 दिन में जब हम अपने आचार विचार शुद्ध करके, हवन हवन का मतलब है कि हाँ हम अग्नि को प्रज्वलित करके अपने मन में उस अग्नि से जो द्वेष है, उस ईर्ष्या है, जो नेगेटिविटी है, उसको समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आए और जो उससे जो हीट और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो हमारे अंदर विराजमान हो, ताकि हमारे पास नेगेटिव वायरस रूपी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे को कुछ चैलेंज ना कर पाए। यही हमारा एक मेन रीजन है बचने का। जिस दिन हम ये कर पाए उस दिन हम इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से, या फिर कोरोना क्या किसी भी वैश्विक महामारी से, हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसमें हमें अपने प्राचीन जो आयुर्वेद है उसका भी लाभ लेना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अंदर 100 साल पहले की बात करें तो इवन जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो अवेलेबल नहीं थी। तो जो उस समय चीजें अवेलेबल थी वो थी हमारी आयुर्वेद। उस समय उन आयुर्वेद को यूज करके, उन एस्ट्रोलॉजिकली किस प्लानेट के, किस महादशा, किस चीजों से, ये ग्रहों से ये जो दोष उत्पन्न हुआ है, ये उनको उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम उन चीजों को अपने भोजन में, अपने आचार विचार में शामिल कर लें, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो इम्यूनिटी बिल्ड करना आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में जो इम्यूनिटी बिल्ड करने के साधन हैं, उसके अंदर आपके आंवला, जो कि वो विष्णु भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके, अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट प्लैनेट से कॉरेस्पॉन्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स हैं, डिफरेंट पौधे हैं। यदि हम उन पौधों को अगर किसी नेगेटिव प्लांट के मैलेफिक पैट को खत्म करना है तो उनसे रूपी छालों को, छाल हम अपने हाथों में धारण कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, और जिनके हमें पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव को अपने बॉडी पर बढ़ाना है उनसे रिलेटेड चीजों का हम सेवन कर सकते हैं। अभी भरतपुर जी ने पूछा, इंडिया विल, व्हेन विल इंडिया बी फ्री, कोविड फ्री लाइक इसराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? भाई अभी है समय है। अभी इंडिया के अंदर जो ये बीमारी है ये मई 2022 तक मेजर रूप में ही रहेगी। उससे पहले यदि आप ये सोचें कि ये खत्म हो जाएगी तो एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बट इससे मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, फिर अगेन ना ही आप ये कहें कि ये डराने का, ये जो मैं वो अपने एस्ट्रो ज्ञान से वो बता रहा हूँ जो मैं सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। और किसी के भी कोई और आपके कमेंट हैं, आपके जो कोई क्वेश्चंस हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ उनका आंसर देने का जहाँ तक हो सकेगा।
गुरुजी वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं कि तब तक नहीं लग पाया रहा है कि हम तब तक कोई इम्यून बूस्टर ले सकते हैं, या अगर हम हाँ तो बताएं। देखिए, अब वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन आज की डेट में एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर जो वायरस का जो डेड फॉर्म है, मतलब वो जाने के बाद बॉडी के डीएनए के अंदर जो प्रोटीन है उनसे प्रोटीन स्पाइक से मिलकर उनको स्पाइक सेल नहीं बनाएगा, ये वैक्सीन के अंदर डेड वायरस की फॉर्म में है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन जो वायरस है उसकी एक छोटी सी डोज दी जाती है तो बॉडी के अंदर जो बी सेल हैं वो WBC के अंदर जो बी सेल हैं वो ऑटोमेटिकली डेट करके उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है और जो इसको बनाने का तरीका है वो सब कुछ रिकॉल करता है टी सेल की मेमोरीज में। अब ये हमारा इम्यून सिस्टम वैक्सीन लगाना बेनिफिशियल है बिकॉज, लेकिन डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है, किस वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन बनी हुई है। यदि जो आज अगर ट्रिपल जो म्यूटेशन का जो वेरिएंट है, यदि उसके जो अगर 100 प्रॉपर्टीज हैं उसमें से अगर 80 प्रॉपर्टीज भी जो वैक्सीन बना है उसके अंदर इंक्लूडेड थी, तो एटलीस्ट आपको 80 जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। 20 जो प्रॉपर्टीज नहीं आई हैं उनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए अगर आपको कोविड होता भी है तो आपको बॉडी हील होने में टाइम लगता है। बट एटलीस्ट जो 80 हमारी नेगेटिव से प्रॉपर्टीज थी जिनसे फाइट करने के लिए बॉडी को सोचना पड़ा और बॉडी को एनर्जी देनी पड़ी, अब वो केवल बॉडी को 20 प्रॉपर्टीज को फाइट करने के लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी और हीलिंग फास्ट हो जाएगी। उस केस में आपके पास चांसेस रहेगा कि डेथ रेट कम हो जाए। यस, इम्यूनिटी बूस्टर है। आप यदि आप आज की डेट में यदि आपने वैक्सीनेशन भी लगवाया हुआ है तो जैसे मैंने कहा कि वेरियंट नए नए आ चुके हैं जिसमें डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलिया का यूरोपियन वेरिएंट है, तो वायरस का जो सिग्नेचर है वो भी चेंज हो रहा है और वायरस की जो वायरस का जो सिग्नेचर जो टी सेल की जो मेमोरी है वो भी वॉश आउट हो रही है। तो जो इन मेमोरीज को, इनकी जो वायरस की जो मेमोरीज है, मतलब जो प्रोसेस है इसको रिकॉल रखने के लिए और इसको रखने के लिए परमानेंटली या लंबे टाइम तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको वैक्सीनेशन के बाद भी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं। हमारा भी अपना एक कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने बचने के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए और वायरस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने खुद एक अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाला था जिसका नाम है नवग्रह इम्यूनिटी बिल्डर ड्रॉप्स। मार्केट में अवेलेबल है, काफी कारगर रहा है। जो लोगों ने पिया है उन लोगों के पास से कोई नेगेटिव हमारे पास फीडबैक नहीं आई है कि उनको कोरोना हुआ हो, या जिन्होंने कोरोना हुआ और उन्होंने पिया 20-20 बूंदे दिन में 3-4 बार, उनका रिकवरी रेट भी बहुत ही जल्दी फास्ट रहा है। प्रोडक्ट अवेलेबल है नवग्रह healthcare.com पर और बाकी जितने भी मेजर मेजर ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे 1mg, 1tab, लाइब्रेट और हमारा नवग्रह healthcare.com, इवन आपके amazon.com, सभी जगह पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। नाम है नवग्रह इम्यूनिटी बिल्डर ड्रॉप्स। इसके अंदर जितने भी आयुर्वेदिक तत्व हैं 9, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रहों के अनुसार भी मिलाया गया है। ग्रहों के जो इस समय हमारे को जिन प्लानिट के स्ट्रांग पोजिशन चाहिए उनके कॉरस्पॉन्डिंगली उन, और जिनका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हर्ब्स और जो इसके अंदर आयुर्वेदिक कंपोनेंट मिले हुए उसी प्रपोर्शन में मिले हुए हैं कि वो आपको बेनिफिट देते हैं। अब लोगों का पूछना था कि कितने दिन में रिकवरी हो जाए और यदि इसको पीने से नहीं होगा, वो काफी कुछ आपकी पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है। आप कितने लंबे समय से इसको ले रहे हैं, तो इंसान एक सिंगल डे में एक सिंगल डोज पीकर तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, इट टेक्स लिटिल वाइल। आपको कहीं पे किसी इंसान को 3 दिन में बेनिफिट दिख जाता है, किसी को 10 दिन में बेनिफिट दिख जाता है। बट हमारे ऑफिस, हमारे सब जगह पे हमारे सारे जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए जब मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में 2 बार, ये काइंड ऑफ मैंडेट है कि आपने पीना है और आपको अपने आप को बचा के रखना है ताकि आप बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए, उनके लिए आप अपने आप को मजबूत बना सकें। अंकित, शायद मैंने आपकी बात का आंसर दिया, और किसी का कोई क्वेश्चन हो अदरवाइज अगले 5-7 मिनट में मैं अपने जो विचार हैं उनको विराम दूंगा, अपनी जिह्वा को विराम दूंगा। यदि इस बीच में आपके कोई और क्वेश्चन हैं, आपके कोई और कमेंट हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। आप अपने क्वेश्चंस को मेरे इस जो लाइव है इसको बंद करने के पश्चात भी आप लिख सकते हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं ट्राई करूंगा उसके बाद भी शाम तक आंसर देने के लिए। अंकित जी, आपका भी धन्यवाद समझने के लिए, सुनने के लिए।
हमें अपने धैर्य को बरकरार रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। ये जो न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो हमारे को नंबर्स दिखा रहे हैं कि इतने लोग डेथ हो गए, इतने लोग डेथ हो गए, इस मोड से बाहर आना है। ईश्वर ने हर एक किसी का पृथ्वी पे आने का और जाने का एक टाइम निश्चित किया हुआ है। उस समय को हमें अपने जीवन में आने और जाने के मार्ग को सुगम बनाना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम गीता के सार को अपने जीवन में समावहित करें और अपने जीवन के उद्देश्य और पर्पस को साकार करें। आने और जाने का समय नियति है। उस समय को टालने का मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। किसी के लिए ये कहना थोड़ा सा अजीब भी लगता है, जिसके परिवार से जाता है उसको डेफिनेटली दुख होता है, पेन होता है, बट सत्य जीवन का यही है। जो आया है वो जाएगा जरूर, बट अपने अच्छे कर्म करके, अपने अच्छे नाम कमा के जाए, किसी बीमारी और किसी कारणवश ना जाए, बैड नेम लेके, यही हमें अपने जीवन में उतारना है। उसके लिए हमें ईश्वर भक्ति, अलाइनमेंट, थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी और मन में एक विश्वास लाना है कि हमें हमेशा अपने आचार विचार को शुद्ध सात्विक रखना है, जहाँ तक संभव हो सके अपने हाथ को देने वाली पोजीशन में रखना है, लेने वाले की बजाय, और अपने जो भी हम कमाएं उसका कुछ ना कुछ प्रतिभाव हमें अपने अच्छे कर्मों की तरफ, गरीबों के हेल्प करने से लेकर सभी चीज़ों की तरफ लगाना है। यही हमारे को लास्ट में यहाँ पे रहेगा, बाकी और कुछ हमारे साथ नहीं जाना है। आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि मेरा ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, आपको कोई सजेशंस हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आगे जल्दी 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 लाइव आए, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे ट्राई करूंगा आंसर देने का। यदि और कोई क्वेश्चन नहीं है तो तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। मैं चाहूंगा कि आप इसको लोगों तक, बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग भी एक अच्छे कर्म करने की तरफ प्रेरित हों और दुनिया में पॉजिटिविटी आए। धन्यवाद आपका सभी का। कोरोना वैश्विक महामारी आपके जीवन में कोई प्रभाव ना डाले, आप सुरक्षित रहें, सुखी रहें, आपके परिवार हंसता खेलता कूदता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। मैं